तुम्हें स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो आज हम थोड़ा सा नॉलेज शेयर करेंगे डीआर के ऊपर। और आज जो सब्जेक्ट डीआर हम बात कर रहे हैं उसके अंदर जो जो सब्जेक्ट कवर करेंगे वो पहले बता दूं, एप्लीकेशन किस किस किन किन लोगों पर डीआर रूल अप्लाई होता है। डीआर रूल के अंदर अपॉइंटिंग अथॉरिटी की बात करेंगे, डिसिप्लिन अथॉरिटी, सस्पेंशन, पेनल्टीज जो रूल 6 में आती है, प्रोसीजर फॉर माइनर पेनल्टी केसेस, प्रोसीजर फॉर मेजर पेनल्टी केस। हेलो हेलो, रिवीजन एंड रिव्यू। इसके बाद डीआर के अंदर जो एसओपी है उसकी बात करेंगे हम, सम इम्पोर्टेंट रूल्स अंडर डीआर। डीआर के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट रूल जो बोर्ड ने सर्कुलेट किए हुए हैं जो डीआर के कनेक्शन में है, जो हमको डीलिंग करते हुए हमको जरूरत पड़ती है, उनके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद कुछ पॉलिसीज और डीआर के उसके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो नाम है सब्जेक्ट का वो है रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968। ये जो डीआर रूल 1968 है ये 1 अक्टूबर 1968 से लागू हुआ और इसको हम बोलते हैं रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968। इससे पहले जो हमारा रेलवे में डीआर रूल चल रहा था उसका वो नाम था डिसिप्लिन अपील रूल 1961। वो 1 अगस्त 1961 से लागू था। उसको निरस्त करके रेलवे बोर्ड ने नया जो डीआर रूल बनाया है जिसको रेलवे सर्वेंट डीआर रूल कहते हैं 1968, वो 1 अक्टूबर से लागू हुआ। किस किस पे लागू होता है एप्लीकेशंस? दिस रूल शैल नॉट बी अप्लाइड टू एनी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज स्टाफ ऑफ आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेज एंड हु इज इन कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। तो डीआर रूल सभी रेलवे एम्प्लॉय पे लागू होता है एक्सेप्ट जो तीन लोग बताए हुए हैं, मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो आरपीएफ है उनके लिए अलग डीआर रूल है, उसका नाम अलग है, वो लागू होता है उनके ऊपर। और जो कर्मचारी कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में रेलवे में काम करते हैं उन पर डीआर रूल लागू नहीं होता है। अब डीआर रूल में जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा वो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी का डीआर में क्या कनेक्शन है, लेकिन क्या कनेक्शन है मैं भी आपको बताऊंगा कि कोई भी कर्मचारी ये सब जानते हैं कि डीआर रूल के अंदर स्पेशली जब एनआईपीएस की बात आती है, चार्जशीट देने की आती है, तो काफी बाकी एनआईपीएस तो कोई भी जो डिसिप्लिन अथॉरिटी है वो इशू कर सकता है, लेकिन जो तीन जो एनआईपी है हमारी, कंपल्सरी रिटायरमेंट, डिसमिसल और रिमूवल, ये तीन एनआईपी सिर्फ अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही दे सकता है। इसलिए हमको अपॉइंटिंग अथॉरिटी को समझना, उसकी परिभाषा को समझना जरूरी है। तो उसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा आपको। यहाँ बताया परिभाषा है कि हु कैन अपॉइंट पर्सन टू सर्विस और टू पोस्ट और टू द ग्रेड ऑफ सर्विस, हु अपॉइंटेड द रेलवे सर्वेंट टू सच सर्विस ग्रेड और पोस्ट विच एवर इज द हाइएस्ट पोस्ट, हाइएस्ट अथॉरिटी। तो थोड़ा सा मैं क्लियरफाई करूंगा कि कोई भी कर्मचारी जैसे रेलवे में आता है, हो सकता है वो 1900 जीपी में आया हो, 2800 में आया हो, 4200 में, 4600 में आया, तो एक तो जब इनिशियली वो रेलवे में रिक्रूट हो रहा है उसका एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा। मैं जैसे क्लियर कर दूं, जो रेलवे बोर्ड की पॉलिसी हिसाब से 1800 हम मानते हैं कि असिस्टेंट स्केल ऑफिसर ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। 1900 से लेकर 2800 तक जो है वो सीनियर स्केल ऑफिसर रेलवे बोर्ड ने बताया हुआ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, एंड 42 एंड अबव के लिए जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो जे ग्रेड ऑफिसर होता है। तो कोई भी कर्मचारी अगर इनिशियली कोई 1800 में, 1900 में या जिस भी ग्रेड में आता है, तो मैंने जो भी बताया उसके हिसाब से उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा। लेकिन सब्सिक्वेंटली वो आदमी रेलवे में 5 साल, 10 साल काम करता है, 15 साल काम करता है, उसका प्रमोशन होता है हायर ग्रेड में। तो जब हायर ग्रेड में जाता है तो हायर ग्रेड के हिसाब से उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई कर्मचारी जूनियर क्लर्क में भर्ती हुआ 1900 में, तो उस वक्त उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होगा वो सीनियर स्केल ऑफिसर होगा, डीपीओ रहेगा। लेकिन जब प्रमोशन लेके 2800, 4200 में ओएस या चीफ ओएस बनेगा, तो अगर हमको चार्जशीट देनी है, इसको रिमूव करना है, हमको बंदा 4200 या 4600 में काम करा है, तब उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होगा सीनियर डीपी हो जाएगा, यानी जे ग्रेड ऑफिसर हो जाएगा। तो इसके ये जो परिभाषा में बताई है, इसमें ये बताया है कि ये आइदर जब उसको रिक्रूटमेंट किया है या करंटली कर्मचारी जिस ग्रेड में काम कर रहा है, विच एवर इज हाईएस्ट अथॉरिटी, जो भी हाईएस्ट अथॉरिटी होगा वही उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी। यानी कि इनिशियली उसका 1900 में रिक्रूटमेंट किया उसका, तो जो रिक्रूटमेंट किया उस वक्त जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही लाइफ लॉन्ग लेगा। आदमी के प्रमोशन जैसे जैसे होंगे कर्मचारी के, वैसे वैसे उसका अपॉइंटिंग जो है हायर होता जाएगा। तो ये है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। इसके बाद हम जाएंगे एक और नियम जो बता दूं इसमें, कि एक और रेलवे बोर्ड की पॉलिसी है जिसमें बताया गया है कि फॉर स्टाफ इन क्लास सी एंड डी, यानी ग्रुप सी और डी कर्मचारी के मामले में, यदि किसी वजह से हमको रिकॉर्ड
नहीं मिल पा रहे हैं, और जिससे हम ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी एक्चुअली कौन है। तो ऐसे केस में रेलवे बोर्ड ने एक बताया हुआ है कि जीएम विल बिकम द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो हम अकॉर्डिंगली द पनिशमेंट ऑफ डिसमिसल रिमूवल कंपनसेटरी फॉर सच एम्प्लॉई कैन नॉट बी इम्पोज बाय एन अथॉरिटी लोअर देन द जीएम। अगर किसी कर्मचारी के रिकॉर्ड से या जो भी डॉक्यूमेंट हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, तो ऐसे मामले में उस कर्मचारी के मामले में उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी जीएम होगा। वो जो पेनल्टीज हैं रिमूवल डिसमिसल और कंपनसेशन अपॉइंटमेंट, ये जीएम द्वारा ही जारी की जाएगी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी की बात होगी है, अब डिसिप्लिन अथॉरिटी की बात करेंगे। इसमें भी थोड़ी सी समझने की बात है। डिसिप्लिन अथॉरिटी, नॉर्मली आदमी ये सोचता है कि जिसने चार्जशीट दी वो डिसिप्लिन अथॉरिटी, कुछ हद तक सही भी है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेगा। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अलग अलग मामलों में अलग अलग हो जाते हैं, और कैसे होते हैं मैं बताऊंगा आपको। इसमें लिखा हुआ पहले हम पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ हु कैन इशू चार्जशीट। सिंपली एक तो बात आ गई, हु कैन इशू चार्जशीट, वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। अब कौन कौन चार्जशीट इशू करता है, किन किन सरकमस्टेंसेस में इशू करता है, वो मैं बताऊंगा। फॉर एनजी स्टाफ, नॉन गजी स्टाफ को जैसे हम एस एफ 11 देते हैं और एस एफ 5 देते हैं, तो पहला इन रिलेशन टू रूल 11, one who can impose any of the penalty of rule 6 of DR, यानी जो rule 6 के अंदर जो penalties, minor penalties जो impose कर सकता है, वो rule 11 के तहत discipline authority होगा। और in relation to rule 9, one who can impose any of major penalty of rule 6 of DR, अगर कोई कर्मचारी को कोई major penalty हम जारी करते हैं, तो वही जो जारी करता है वही अधिकारी जो उसका discipline authority होगा। और गजिस्टेड के मामले में यह रहेगा कि इन रिलेशन टू रूल 9 एंड 11, हु कैन इम्पोज एनी ऑफ द पेनल्टीज ऑफ रूल 6 ऑफ डीआर। इतना पढ़ने से मैं नहीं समझता हूँ कि चीजें समझ में आई है, थोड़ा सा मैं स्पेसिफाई करता हूँ। पहले हम नॉन गजिस्टेड की बात करते हैं। नॉन गजिस्टेड में अलग अलग डीए होंगे। एक होता है डीए आपका रहेगा, कोई भी कर्मचारी है उसको सिर्फ माइनर पेनल्टी अगर कोई अधिकारी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अभी आगे एसओपी आपको बताऊंगा, उसमें सीनियर सुपरवाइजर 4200 एंड अबव 4600 के जो इंडिपेंडेंट इंचार्ज है, वो अपने 3 ग्रेड बिलो को चार्जशीट दे सकते हैं एस एफ 11, लेकिन वो केवल माइनर पेनल्टी ही दे सकते हैं, तो वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रहेंगे। लेकिन सीनियर सुपरवाइजर के एसओपी आप देखेंगे तो इसमें मेजर पेनल्टी का प्रोविजन नहीं, दे ही नहीं सकता। तो एज फार एज माइनर पेनल्टी इज कंसर्न, वो एस एफ 11 दे सकते हैं चार्जशीट, दे सकते हैं एस एफ 11 माइनर पेनल्टी चार्ज सकते हैं, लेकिन मेजर पेनल्टी नहीं दे सकते। तो किसी भी कर्मचारी को उसकी ग्रेड के हिसाब से माइनर पेनल्टी और मेजर पेनल्टी कौन कौन दे सकता है, उसी आधार पर डिसिप्लिन अथॉरिटी का चयन किया जाएगा। मैं एसओपी दिखा के मैं आपको क्लियर करूंगा। तो एनजी स्टाफ में दो डिसिप्लिन अथॉरिटी अलग अलग रहेंगे चार्जशीट इशू करने के लिए। अगर कोई एस एफ 11 इशू करता है तो सिर्फ माइनर पेनल्टी चार्जशीट ही इशू कर सकता है और माइनर पेनल्टी दे सकता है। लेकिन अगर कोई मेजर पेनल्टी चार्जशीट दे सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सीनियर डीपीओ है, वो अप टू ऑल नॉन गजिस्टेड जो है आपके अप टू 4200 को वो चार्जशीट इशू कर सकते हैं, माइनर भी और मेजर भी। तो वो माइनर के लिए भी डिसिप्लिन अथॉरिटी रहेंगे, मेजर के लिए रहेंगे। तो ग्रुप सी के लिए नॉन गजिस्टेड स्टाफ के लिए माइनर पेनल्टी और मेजर पेनल्टी में चार्जशीट इशू करना है, तो देखना पड़ेगा कि वो कौन सी वाली एनआईपी इशू कर सकता है, उसको अथॉरिटी है एज पर एसओपी। और गजिस्टेड के अंदर थोड़ा सा अलग है, गजिस्टेड में ऐसा नहीं है कि जो माइनर दे सकता है वो अलग है और मेजर दे सकता है। गजिस्टेड में एक बेनिफिट दिया हुआ है कि गजिस्टेड के अंदर आप एक भी माइनर पेनल्टी भी आप दे सकते हैं, तो वो मेजर पेनल्टी चार्जशीट इशू कर सकता है। ये एक डिफरेंस है एनजी स्टाफ और नॉन गजिस्टेड स्टाफ में, कि एनजी स्टाफ में अगर कोई अथॉरिटी सिर्फ माइनर पेनल्टी दे सकती है उसको एसओपी के हिसाब से, तो सिर्फ एसएफ 11 ही इशू कर सकती है, एसएफ 5 इशू नहीं कर सकती। एसएफ 5 इशू करना है किसी भी कर्मचारी को, तो उसको कोई भी एक मेजर डीआर पेनल्टी देने की उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। मैं आपको एसओपी के साथ बताऊंगा। और गजिस्टेड में ऐसा है कि अगर कोई भी अथॉरिटी है, जनरली पीएचओडी देती है, मैं आपको ऐसे भी दिखाऊंगा, तो उसमें पीएचओडी को पावर है, जैसे हमारे जो उसमें माइनर पेनल्टी के प्रोविजन है, तो पीएचओडी जो भी है वो मेजर पेनल्टी चार्जशीट इशू कर सकती है। लेकिन जब पेनल्टी देने की बात आएगी तो वो हायर अथॉरिटी को वो फाइल को मूव कर देगी कि भाई मेरी कॉम्पिटेंसी में से माइनर रहती है, आप मेजर पेनल्टी दो। तो ये है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। और जैसे मैंने लास्ट में लिखा हुआ है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इश्यू ऑफ चार्जशीट एंड इम्पोजिंग ऑफ पेनल्टी थ्रू एनआईपी। तो ये एक और मैं इसमें बताना चाहूंगा कि कई बार आपकी एनआईपी आप एसएफ 11 इशू करते हैं, एसएफ 5 इशू करते हैं, एनजी स्टाफ की मैं बात कर रहा हूँ पहले तो रूल 9 में, तो कई बार कुछ अथॉरिटी को सिर्फ 5 नंबर की एनआईपी ही देने का प्रोविजन है, जो कि अपना 5 नंबर की जो पेनल्टी हमारी आएगी वो रिडक्शन टू इन लोअर स्टेज आएगी, 3B को छोड़ के जो हमारी 5 नंबर की है, कि मतलब एक से ज्यादा स्टेज हम किसी को रिडक्शन देते हैं तो वो 5 नंबर की पेनल्टी आएगी।
तो कुछ अथॉरिटी को सिर्फ 5 नंबर की पेनल्टी देने का पावर है, तो वो एस एफ आई इशू कर सकती है। लेकिन अगर जब डीआर पूरा डील होता है, इंक्वायरी होती है और लगता है कि उस कर्मचारी को हायर पेनल्टी देनी, 6 नंबर की देनी है या 7-8 की देनी है, तब तो वो केस को हायर अथॉरिटी को रेफर कर देगी। तो चार्जशीट देना और इम्पोजिटिव पेनल्टी दोनों सेपरेट चीज़ आ जाती है। चार्जशीट देने के लिए आपको एटलीस्ट माइनर में एक पेनल्टी देने की अथॉरिटी होनी चाहिए, तो आप माइनर दे सकते हैं, और मेजर में एटलीस्ट एक पेनल्टी देने की आपकी कंपिटेंसी है, तो आप मेजर पेनल्टी चार्जशीट दे सकते हैं। ये है आपका डिसिप्लिन अथॉरिटी। मैं जरा सा एसओपी एक बार दिखाना चाहूंगा मैं आपको इसके अंदर, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। ये आपकी एसओपी है, शेड्यूल 2 बता रहा हूँ। इसके अंदर आप देखिए कि जैसे सीनियर सुपरवाइजर हैं आपके 4200, और क्या क्या पेनल्टीज दे रखे हैं, ये कॉलम नंबर 4 में दिखाया हुआ पेनल्टी स्पेसिफाई 1 to 4। ये 1 to 4 पेनल्टीज जो कि मैं आगे बताऊंगा, ये सिर्फ माइनर पेनल्टीज हैं। तो कोई भी अथॉरिटी है आपकी, ये सीनियर सुपरवाइजर है, इसके बाद असिस्टेंट स्केल ऑफिसर है, ये क्या पेनल्टी दे सकते हैं, यहाँ पे कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 4, पेनल्टी स्पेसिफाइड क्लास 1 to 4 5। तो 1 to 4 माइनर पेनल्टी होती है, 5 जो है वो मेजर पेनल्टी होती है। तो असिस्टेंट स्केल ऑफिसर अप टू 2400 ग्रेड पे को जो है माइनर पेनल्टी और मेजर पेनल्टी चार्जशीट दोनों दे सकते हैं, लेकिन आपके सीनियर सुपरवाइजर 4200 अब सिर्फ 1 to 4 केवल माइनर पेनल्टी ही दे सकते हैं। और सीनियर स्केल इंचार्ज जो है, इनको बता दिया गया है कि ये अप टू 2800 और अप टू 1 to 6, जितने भी पेनल्टीज मैं बता दूं यहाँ पे, ये सारी 1 to 6 ही दे सकते हैं। और 7, 8, 9 के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि एन अपॉइंटिंग अथॉरिटी और एन अथॉरिटी इक्वलेंट रैंक और एनी हायर अथॉरिटी शेल बी कंपिटेंट टू इम्पोज पेनल्टी स्पेसिफाइड 7, 8, 9। यानी 7, 8, 9 जो पेनल्टी है, कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल, डिसमिसल, वो केवल अपॉइंटिंग अथॉरिटी देगी, बाकी ये सारी अथॉरिटी जो है अप टू 6 ही एनआईपी देगी। तो ये एसओपी को समझाने के लिए मैंने बताया आपको। हम आगे आ जाते हैं वापिस इसके ऊपर। अब हमारा अगला सब्जेक्ट है सस्पेंशन, रूल 5। एज स्पेसिफाई सस्पेंशन कौन कर सकता है, ये भी शेड्यूल मैंने अभी बताया था आपको, उसके अंदर बताया हुआ शेड्यूल 1, 3, अलग अलग शेड्यूल के हिसाब से, डीआर रूल के हिसाब से सस्पेंशन जो अथॉरिटी है वो सस्पेंड कर सकती है। अपने सबोर्डिनेट रिलेशन सर्वेंट को सबमिट करेगी। हु इज नॉट कंट्रोलर शैल रिपोर्ट टू कंसर्न। कुछ मामले में सस्पेंशन करने का प्रोविजन तो दिया हुआ है अथॉरिटी को, लेकिन वो कर नहीं सकती, तो वो हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगी सस्पेंशन के बारे में। और इम्पोर्टेंट एक रूल इसके अंदर सस्पेंशन के अंदर, कोई भी एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड शैल नॉट बी वैलिड आफ्टर पीरियड ऑफ 90 डेज अनलेस इट इज एक्सटेंडेड आफ्टर रिव्यू फॉर ए फर्दर पीरियड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज। एक बार आपने किसी को सस्पेंड किया है तो वो उसका मैक्सिमम जो वैलिडिटी रहेगी 90 डेज। 90 डेज के बाद अगर आपको फर्दर सस्पेंशन में उस कर्मचारी को रखना है, तो ऐसी स्थिति में आपको उसका सस्पेंड को पीरियड को एक्सटेंशन कराना पड़ेगा, तभी वो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज 90 डेज के बाद नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये रूल 5, 6 ऑफ डीआर रूल 1968 है। एक्सटेंडेड करना तो उसके लिए रिव्यू कराना पड़ेगा। ऑन रिव्यू पीरियड ऑफ सस्पेंशन कैन बी एक्सटेंडेड फॉर नेक्स्ट 180 डेज एट ए स्ट्रेच एवरी टाइम। एक बार जो पहला सस्पेंशन होगा वो हमारा 90 डेज का होगा, उसके बाद आप जो रिव्यू कराएंगे उसको, जो रिव्यू में बता दूं आपकी जानकारी के, 3 ऑफिसर होंगे जिन्होंने सस्पेंड जिस जो अथॉरिटी किया उसके इक्वल रैंक के 3 ऑफिसर रहेंगे, वो रिव्यू करेंगे और नेक्स्ट जो अथॉरिटी होगी सस्पेंड से अथॉरिटी वो उसका अप्रूवल देगी। तो एक बार रिव्यू जो होगा वो नेक्स्ट 180 डेज होगा, हर बार हर 180 दिन के लिए हम उसको एक्सटेंड कराएंगे। पहला सस्पेंशन 90 डेज है, उसके बाद फर्दर जितने भी एक्सटेंशन होगा अगर आपको रिक्वायर है तो आप अप टू 180 डेज मैक्सिमम कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा आपको रिव्यू कराना पड़ेगा। एक और इशू कई बार हम देखते हैं, शेड्यूल 1, 2, 3 मैंने आपको दिखाया था। तो शेड्यूल 1 में किसको देखना है, हमको कौन सा शेड्यूल देखना है, कहीं वो कंफ्यूज रहता है, इसलिए मैंने एक लिख दिया आपके अंदर। शेड्यूल 1 के अंदर जो आते हैं अथॉरिटीज, उसमें एक रेलवे बोर्ड में जो काम कर रहे हैं, RDSO, इरिसेट, नायर, इरिसेन, मैकेनिकल इंजीनियर, RRB, RRT एंड ऑल अदर ऑफिसर्स जो इसमें नहीं आ रही, ये सारे में शेड्यूल 1 देखना है। शेड्यूल 2 में जोनल रेलवेज में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, रेलवील फैक्ट्री, मेट्रो रेलवे, डीजल लोकोमोटराइजेशन वर्क्स, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन एंड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ये सब जो है शेड्यूल 2 में आएगा। शेड्यूल 3 में जो है रेलवे सर्वेंट ग्रुप A जो रेलवे ऑफिसर है अधिकारी वो आते हैं, और ग्रुप B ऑफिसर भी आते हैं। तो इसमें जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्वेश्चन बनता है कि ग्रुप B ऑफिसर है, ग्रुप A ऑफिसर कौन से शेड्यूल में आते हैं, या जोनल रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो डीआर के किस शेड्यूल में आते हैं, इस पर क्वेश्चन भी बनता है। और आपको अगर देखना है तो आप जहाँ भी इसमें काम करते हैं उसके हिसाब से अपने शेड्यूल के हिसाब से अपने देख सकते हैं कि कौन चार्जशीट दे सकता है।
एनआईपीएस का मैंने जैसे मैंने बताया था, यहाँ वही चीज़ दिखाई है, सीनियर सुपरवाइजर इंचार्ज 42 एंड अबव, ये थ्री ग्रेड ब्लॉक को देखते हैं, असिस्टेंट बी असिस्टेंट ऑफिसर है जूनियर स्केल ग्रुप बी, वो स्टाफ विद जीपी एंड इंक्लूडिंग 2800 तक के जो कर्मचारी हैं उनको असिस्टेंट स्केल ऑफिसर चार्जशीट दे सकते हैं, सीनियर स्केल ऑफिसर जो है अप टू 2800 तक के लोगों कर सकते हैं। उसके बाद जे ग्रेड ऑफिसर ऑल नॉन ग्रेजुएट स्टाफ को जो है एनआईपी दे सकते हैं। ये हायर अथॉरिटी है, इस पर शेड्यूल है, एडीआरएम डीआरएम ऑल नॉन ग्रेजुएट बाकी एसएजी और सब एजीएम रेलवे बोर्ड को सभी नॉन ग्रेजुएट को पावर है। उसके बाद सस्पेंशन में आगे चलते हैं, रेलवे सर्वेंट में बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन व्हेन, एक कर्मचारी को कब सस्पेंड किया जाता है, व्हेन ए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज कंटेम्प्लेटेड और रेलवे सर्वेंट में बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन एंड व्हेन ए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज कंटेम्प्लेटेड और इज पेंडिंग और एंगेज इन एक्टिविटी, किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाना की संभावना है। इसके अलावा कर्मचारी ऐसे कार्यकलापों में लिप्त हो जो स्टेट की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो, या कर्मचारी के खिलाफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित हो या ट्रायल चल रहा हो, ऐसे मामले में हम किसी भी कर्मचारी को सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंशन शुड बी इन रिटर्न एंड इज इफेक्टेड फ्रॉम द ऑर्डर रिसीव्ड, सस्पेंशन जो होगा वो लिखित में जाएगा और जिस तारीख को हम सस्पेंड करते हैं उसी तारीख से ही जाएगा, बैक डेट से सिर्फ डिम सस्पेंशन होगा, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। नॉर्मल सस्पेंड किसी को हम करेंगे तो विद इमीडिएट इफेक्ट होगा, रेट्रोस्पेक्टिव सिर्फ डिम सस्पेंशन होगा, बाकी सस्पेंशन विद इमीडिएट होगा। सस्पेंशन के दौरान कई लोगों को डाउट रहता है कि मस्टर साइन करना नहीं करना, उसके लिए क्लियर पॉलिसी है कि मस्टर साइन आपको नहीं करना है, लेकिन आप जो है लीव हेडक्वार्टर लीव नहीं कर छोड़ नहीं सकते हैं विदाउट द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये मैंने हिंदी में बताया उसी को, जिस कर्मचारी का अनुशासनात्मक कार्य पर विचार किया जा रहा हो या लंबित हो, किसी रेल सर्व को निलंबन के तहत रखने के लिए सक्षम पदाधिकारी की राय में उसने खुद को राज्य की सुरक्षा के हित में प्रतिकूल गतिविधियों में लगाया हो, या किसी की आपराधिक मामले में जांच पूछताछ या परीक्षण चल रहा हो। उसके बाद आता है डीम सस्पेंशन, रेलवे सर्वेंट शेल बी प्लेस्ड अंडर डीम सस्पेंशन इफ डिटेन्ड कस्टडी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 48 आवर्स, यदि किसी कर्मचारी को किस कस्टडी में रखा गया है, कैद किया गया है और 48 घंटे से ज्यादा रखा गया है, तो उसी तारीख से जहां से 48 घंटे पूरे होंगे वहां से उसका डीम सस्पेंशन चालू हो जाएगा, या फिर किसी कोई कर्मचारी को कन्विक्शन या सजा हो गई है इम्प्रूवमेंट और 48 घंटे से ज्यादा हुआ तो उसको भी वहां से डीम सस्पेंशन माना जाएगा। इसके बाद हमारी पेनल्टीज आती है जो रूल 6 में है, पहली पेनल्टी जो हमारी है सेंसर निंदा परिनिंदा, दूसरी है विथहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, नियत अवधि के लिए पदोन्नति पर रोक, रिकवरी ऑफ एनी पिक्यूरी लॉसेस कॉज टू गवर्नमेंट और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, कर्मचारी को की कर्मचारियों की जो है की वजह से अगर सरकार को जो नुकसान हुआ है उसकी आंशिक या पूरी भरपाई कर सकती है। तीन नंबर की पेनल्टीज जो है हमारी, 3A में आता है विथहोल्डिंग ऑफ प्रिविलेज पासेस पीटीओ और बोथ, इसके तहत कोई भी कर्मचारी है उसके पास या पीटीओ या दोनों को रोके जा सकते हैं। इसके बाद 3B जो जनरली काफी यूज होती है, एक तो 3A होती है पास पीटीओ, 3B होती है रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे बाय वन स्टेज फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट क्यूम्युलेटिव इफेक्ट एंड नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग द पेंशन। इसमें कर्मचारी को जो टाइम स्केल जिस भी स्केल में वो चल रहा है उसको एक स्टेज नीचे लेके जाते हैं जो कि 3 साल से अधिक ना हो और विथ फ्यूचर इफेक्ट ना हो और पेंशन पे उसका एडवर्सली इफेक्ट ना हो, तो उसको 3B पेनल्टी बोलते हैं और यही जनरली मैक्सिमम यूज होती है। 4th नंबर की पेनल्टी जो है विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स ऑफ पे फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड विथ और विदाउट फ्यूचर इफेक्ट, जो इंक्रीमेंट के ऊपर अगर रोक लगती है, वेतन वृद्धि पर रोक लग रही है, तो वो हमारी 4 नंबर की पेनल्टी होती है जो कि माइनर पेनल्टी। कई बार लोगों को एक बता दूं मैं आपको, कईयों को गलतफहमी या क्वेश्चन बनता है कि किसी की 5 साल की इंक्रीमेंट बंद कर दी है, 10 साल की इंक्रीमेंट बंद कर दी है, माइनर पेनल्टी है कि मेजर पेनल्टी, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इंक्रीमेंट विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट जो है ये माइनर पेनल्टी में आता है, मेजर में नहीं आता है। 3 साल से अधिक है या विथ फ्यूचर की, आगे मैं बताऊंगा इसमें क्या है कहानी, फिलहाल तो मैं बता दूं आपकी यहां आपकी माइनर पेनल्टी खत्म हो जाती है। अब इसको हिंदी में मैंने बता दिया आपको, सेम टू सेम हिंदी में ऑलरेडी मैं बता दिया वही चीज़ हिंदी में लिखा हुआ मैंने। अब हमारी मेजर पेनल्टी यहाँ चालू होगी, सेव एज प्रोवाइडेड इन क्लास 3B, यानी 3B में जो हमने एनआईपी बताई थी, मैं आपको बताता हूँ ये वाली रिडक्शन वाली 1 स्टेज,
यानी किसी भी कर्मचारी को सेम टाइम स्केल पे में एक स्टेज अगर नीचे लेके जाते हैं तो वो 3B आती है माइनर, एक स्टेज 3 साल से अधिक ना हो या और विदाउट फ्यूचर हो। लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेज लेके जा रहे हैं, 3 साल से ज्यादा है या 3 साल से कम है लेकिन विथ फ्यूचर इफेक्टिव पेनल्टी, तो सीधी 5 नंबर में चली जाएगी। तो ये डिफरेंस मैं बता रहा हूँ 3B और 5 में क्या डिफरेंस है, दोनों में ये डिफरेंस है कि 3B के अलावा जितनी भी पेनल्टीज होगी रिडक्शन की, यानी 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज और या फिर एक ही स्टेज है लेकिन 3 साल से ज्यादा है या 1 साल ही है, एक ही स्टेज है लेकिन विथ फ्यूचर इफेक्ट है, तो ऐसे सभी मामलों में हमारी इसको पेनल्टी हम बोलेंगे 5 नंबर की पेनल्टी है और मेजर पेनल्टी है। इसके बाद ये हमारा छठा जो काफी इम्पोर्टेंट है पेनल्टी है, ये बता दूं पहले एक पेनल्टी हमारी चलती थी, कईयों को आइडिया है नहीं, आप मैक्सिमम जगह देखेंगे तो जो मैंने रेड से नीचे लिखा हुआ है रेड कलर में वही पेनल्टी मिलेगी आपको मैक्सिमम जगह, लेकिन ये पेनल्टी चेंज हो गई है RB 119/2011 में। तो पहले वो पढ़ लेते हैं, क्या रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट ऑफ सर्विस फॉर ए पीरियड टू बी स्पेसिफाइड इन ऑर्डर ऑफ पेनल्टी, यानी कि आपको रिडक्शन पहले भी था रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट ऑफ सर्विस, लेकिन अभी क्लियर कर दिया फॉर ए पीरियड टू बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर ऑफ पेनल्टी, कि आपको अथॉरिटी को जो है डिसिप्लिन अथॉरिटी बताना पड़ेगा कि आप जो रिडक्शन कर रहे हैं कितने समय के लिए कर रहे हैं, जो कि ऑर्डर में स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ये एक ऐड किया है, एंड विच शैल बी ए बार टू द प्रमोशन ऑफ ए रेलवे सर्वेंट ड्यूरिंग सच स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ द टाइम स्केल पे, और उस दौरान जो पीरियड के लिए हम रिडक्शन कर रहे हैं स्पेसिफाइड पीरियड जो डिस्प्लिनरी कर रहा है उस पीरियड के लिए उस कर्मचारी के लिए पदोन्नति के लिए बार होगा, यानी उस दौरान उसको पदोन्नति नहीं मिले जाएगी। और साथ में विद डायरेक्शन एज टू वेदर और नॉट ऑन प्रमोशन ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द सेट स्पेसिफाइड पीरियड, वो पीरियड जब खत्म होगा और कर्मचारी वापस दोबारा अपना अपने स्टेज पर वापस आएगा तब द पीरियड ऑफ रिडक्शन ऑफ टू टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट और सर्विस शेल ऑपरेट टू पोस्टपोन फ्यूचर इंक्रीमेंट ऑफ हिज पे एंड इफ सो टू व्हाट एक्सटेंट। सो सीधे शब्द में बोलाऊं तो जब वापस आएगा तो ये वन टाइम विद फ्यूचर इफेक्ट पेनल्टी है कि विदाउट फ्यूचर पेनल्टी, ये इसने बोला ए में। और बी में ये बोला है कि द रेलवे सर्वेंट शेल रिगेन हिज ओरिजिनल सीनियरिटी इन द हायर टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट और लॉस, मतलब बी का सिंपल से अगर बात करें तो मतलब ये होता है कि ये इसमें सीनियरिटी लॉस होगी कि नहीं होगी, यानी कि 6 नंबर पेनल्टी के तहत अभी जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा उनको बताना पड़ेगा कि जो रिडक्शन किया जा रहा है कर्मचारी को जिस भी ग्रेड पे स्केल में लेके जा रहे हैं वो कितने समय के दौरान के लिए रहेगा, और उस दौरान कर्मचारी की जो है पदोन्नति नहीं की जाएगी, और जब वापिस वो पीरियड खत्म हो जाएगा, मान लो किसी को रिडक्शन किया 5 साल के लिए, तो 5 साल की पीरियड के दौरान वो पदोन्नति नहीं लेगा, और 5 साल के बाद जब वापिस आएगा तो ये जो रिडक्शन है विथ फ्यूचर है कि विदाउट फ्यूचर है, साथ ही विथ लॉस ऑफ सीनियरिटी है कि नहीं है, ये दो बातें भी अब उसको बतानी ही पड़ेगी। पहले कई बार बताते थे नहीं बताते थे, लेकिन अभी कंपलसरी कर दिया अथॉरिटी के लिए, अगर नहीं बताया है तो जो DR डील करते हैं उनको अथॉरिटी को वापस DR केस वापस भेजना चाहिए और उनको बोलना पड़ेगा सर आपको बताना पड़ेगा कि विथ जनरली विथ फ्यूचर विदाउट फ्यूचर तो लिखते ही है पेनल्टी में, जानता मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सीनियरिटी लॉस करेगा या नहीं लॉस करेगा ये आपको अथॉरिटी से लिखवाना पड़ेगा। कई बार हम ऐसा मानते हैं नहीं लिखा हो तो मानते हैं कि नहीं नहीं बताया, मतलब सीनियरिटी का लॉस नहीं है, ऐसा भी हम कई बार मानते हैं। तो ये हमारी 6 नंबर की पेनल्टी जो रिवाइज हुई है इसी को मैंने हिंदी में भी यहाँ लिख दिया है। इसके बाद हमारी जो 7 नंबर की पेनल्टी है कंपल्सरी रिटायरमेंट, 8 नंबर की है रिमूवल फ्रॉम सर्विस वी शैल नॉट बी ए डिसक्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कंपल्सरी रिटायरमेंट अनिवार्य सेवानिवृत्ति, रिमूवल फॉर सर्विस जो है सेवा से निष्कासन जो कि भविष्य में आप फ्यूचर में किसी के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा, वो फर्दर जॉब मांग कर सकता है गवर्नमेंट जॉब। और नवा जो पेनल्टी है हमारी डिस्मिसल फ्रॉम सर्विस, इसके अंदर कर्मचारी जो है फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब या रेलवे में जॉब के लिए डिस्क्वालीफाई माना जाता है, वो फिर फ्यूचर में वो रेलवे में जॉब नहीं कर सकता है। ये हमारी टोटल NIPs हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होता है प्रोसीजर फॉर माइनर पेनल्टी केस, किसी को कर्मचारी को माइनर पेनल्टी देनी है हमारे को, मेरे ख्याल से टाइम अशोक टाइम अभी शायद हो रहा है 40 में तैयारी है तो बंद हो जाएगा, तो हम फिर मिलेंगे तब तक चालू करता हूँ इसको। माइनर पेनल्टी प्रोसीजिंग में सबसे पहले अथॉरिटी हु इज कॉम्पिटेंट टू इम्पोज एनी ऑफ माइनर पेनल्टी ऑफ रूल 6 कैन इनिशिएट एक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था SOP के हिसाब से कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो भी अथॉरिटी है वो कोई भी एक माइनर पेनल्टी इश्यू कर सकता है।
तो वो माइनर पेनल्टी चार्जशीट दे सकता है, एसएफ 11 दे सकता है. अथॉरिटी हु इज इन्वॉल्व इन द सेम केस कैन नॉट एक्ट एज ए डिसमिसल अथॉरिटी. अगर कोई कर्मचारी जैसे सुपरवाइजर है वो माइनर पेनल्टी चार्जशीट दे सकता है उस कर्मचारी को, अपने 3 ग्रेड नीचे वाले को, लेकिन खुद भी उसमें इन्वॉल्व है तो वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का काम नहीं करेगा. फिर इसमें है कंसर्न डिपार्टमेंट अथॉरिटी विल फ्रेम द चार्जेस इन डिटेल. जो डिपार्टमेंट होगा ऑब्वियसली जो लेकुना रहा है, जो भी कमियां रही है वो डिपार्टमेंट को मालूम होगा, तो वही चार्जेस फ्रेम करेगा. चार्जशीट शैल बी इंटीमेटेड टू द एम्प्लॉय इन डिटेल थ्रू एस एफ 11 अलॉन्ग विद द आईओडीएस इफ एनी. अगर आईओडीएस है तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मली एस एफ 11 में आईओडीएस नहीं देते हैं. तो अगर चार्जशीट जो है वो कर्मचारी को दी जाएगी एस एफ 11 के फॉर्म में, कर्मचारी को जैसे ही डिफेंस चार्जशीट मिलेगी एस एफ 11, उसको डिफेंस 10 दिन के अंदर देना है. चार्जशीट मिलने के 10 दिन के अंदर उसको डिफेंस देना है. अगर किसी वजह से डिले होती है तो वो कंडोन मांग सकता है, और डीए में कंसीडर द डिले डिफेंस, डीए के पास पावर है कि वो चाहे तो डिले को कंडोन कर सकता है. अगर कोई डिफेंस नहीं दिया तो डीए कैन डिसाइड, एक्सपर्टी डिसीजन लेंगे डीए के विदाउट डिफेंस के बाद भी डीए उस पर डिसीजन ले सकते हैं. इसमें इंक्वायरी की जरूरत नहीं है ऐसे फिलहाल में. स्टेट में हम डिफेंस मिले नहीं मिलने पर स्टेट में जो है अथॉरिटी उसको एनआईपी इशू कर सकती है. इंक्वायरी कैन बी ऑर्डर्ड होल्ड इफ डीए फील्स नेसेसरी. अगर डीए को लगता है किसी मामले में इंक्वायरी करनी है वो चाहे कर सकते हैं. इंक्वायरी रिक्वायर्ड इफ प्रपोज फॉर्मेलिटी अफेक्ट पेंशनर बेनिफिट. अगर जो हम एनआईपी दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 साल का 4 साल का या अधिक इंक्रीमेंट स्टॉप किया है, या विथ फ्यूचर की इंक्रीमेंट स्टॉपेज की पेनल्टी है, ऐसी कुछ पेनल्टी के अंदर इंक्वायरी करनी पड़ेगी, वो मैं आगे थोड़ा डिटेल में बताऊंगा. उसके बाद डीए टू पास रीजन ऑर्डर ऑन ई चार्जेस. जो भी चार्जेस लगाए हुए हैं उसके ऊपर अपने रीजन स्पीकिंग ऑर्डर देंगे. डीए कैन ड्रॉप द चार्जेस और कैन इम्पोज एनी ऑफ द पेनल्टीज ऑफ रूल 6 अंडर एनआईपी फॉर्म. डीए कोई भी एनआईपी जो है माइनर पेनल्टी, एनी माइनर पेनल्टी जो है वो रूल 6 के अंदर जो भी माइनर पेनल्टी वो उसको दे सकते हैं. नो पेनल्टी विच अफेक्ट पेंशन बेनिफिट कैन बी इम्पोज वेन नो इंक्वायरी इज कंडक्टेड एज पर रूल 9. अगर कोई पेनल्टी है जिसमें जो पेंशन बेनिफिट अफेक्ट करती है वो विदाउट इंक्वायरी जो है हम रूल 9 की तरह इंक्वायरी, रूल 9 की हम बाद में बात करेंगे डिटेल इंक्वायरी जो एस एफ 5 में करते हैं, बिना उस इंक्वायरी के हम कोई भी पेंशन बेनिफिट अफेक्ट करने वाली पेनल्टी नहीं लगा सकते. इफ डी एस डिसीजन इज नॉट इन कन्फर्मिंग विद विजिलेंस टू कंसल्ट, हाउएवर डी एस फ्री टू टेक फाइनल डिसीजन. अभी मैं बता दूं, पहले जो विजिलेंस केसेस होते थे उसमें नॉर्मली एसएफआई के अंदर विजिलेंस कंसल्ट करना पड़ता था. अभी एक नया रूल आया विजिलेंस का जिसमें माइनर पेनल्टी की चार्जशीट का रिकमेंड आता है, उसमें अगर हम एक्सोनरेट करता है डीए तो उसके लिए भी आपको पहले जो है विजिलेंस से कंसल्ट करना पड़ेगा, और उसी के बाद डीए जो है माइनर एक्सोनरेट वाली पेनल्टी दे सकता है. एक्सोनरेट मतलब छोड़ सकता है इसको, अदरवाइज कोई भी माइनॉरिटी पेनल्टी देना पड़ेगी उसको. अगर उसको छोड़ना है तो विजिलेंस से कंसल्टेशन जरूरी है. अब जैसे मैंने बताया था आपको कि एसएफ 11 के अंदर इंक्वायरी करना पड़ता है कुछ नियम है, वो कौन कौन सी मामलों में करना पड़ता है. पहला है विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट विच इज लाइकली टू अफेक्ट एडवर्सली टू पेंशन बेनिफिट. इंक्रीमेंट रोका जा रहा है जो पेंशन बेनिफिट को प्रभावित करता है. विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट फॉर पीरियड एक्सटेंडिंग 3 ईयर्स, यानी 3 साल से अधिक का हम इंक्रीमेंट नहीं रोक सकते किसी भी कर्मचारी को एसएफ 11 के अंदर. अगर हमको रोकना है तो हमको इंक्वायरी करनी पड़ेगी. उसके बाद है विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट विथ फ्यूचर इफेक्ट फॉर एनी पीरियड. तो अगर 3 साल से ज्यादा की इंक्रीमेंट रोकना है तो आपको इंक्वायरी करनी है, और अगर 3 साल से कम का भी हमको रोकना है और विथ फ्यूचर इफेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1 साल के लिए विथ फ्यूचर इफेक्ट की पेनल्टी रखते हैं स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट, तो भी आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी. ये उसी को डिटेल में बताया हुआ है. एक रूल 11-2 है जो अभी मैंने आपको बताया, उसी को जो हमारा जो मैनुअल है उसका पैरा बताया हुआ है. इफ इन केस इट इज प्रपोज्ड आफ्टर कंसीडरिंग द रिप्रेजेंटेशन इफ एनी मेड बाय द रेलवे सर्वेंट टू विथहोल्ड इंक्रीमेंट ऑफ पे और सच विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट इज लाइकली टू अफेक्ट एडवर्सली द अमाउंट ऑफ पेंशन और स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड पेबल टू द रेलवे सर्वेंट और टू विथहोल्ड इंक्रीमेंट ऑफ पे फॉर पीरियड एक्सीडिंग 3 ईयर्स or to withhold increment of pay with cumulative effect for any period, an inquiry shall be held in the manner laid down in sub-rule 6 to 25 of rule 9 before making any order imposing on the railway servant any such penalty. तो ये जो इतनी लंबी बात कही है इसको ही हमने छोटे शब्दों में यहाँ बता दिया. इस अर्लियर जो हमने स्लाइड में बताया हुआ है कि
कि अगर कोई पेंशनी बेनिफिट की इंक्रीमेंट आती है या 3 साल से अधिक आती है या विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट विथ फ्यूचर की आती है किसी भी पीरियड के लिए, इवन मैं बता दूं आपको अगर 4 महीने का भी आप विथ फ्यूचर कर रहे हो या 3 महीने का कर रहे हो या 2 महीने का भी कर रहे हो, किसी भी पीरियड के लिए विथ फ्यूचर की इंक्रीमेंट आप लगा रहे हो तो आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी। सो माइनर पेनल्टी के अंदर विथ फ्यूचर की पेनल्टी किसी भी पीरियड के लिए हम नहीं लगा सकते हैं विदाउट कंडेंडिंग इंक्वायरी अंडर रूल 9। নালবনি স্যার হলে এপে গা বনে ওঠে দোস্ত মে দেগা अभी 11 खत्म हो गया, अभी हम SF5 पे चलते हैं। प्रोसीजर फॉर मेजर पेनल्टी केसेस रूल 9। रूल 6 के अंदर पेनल्टीज कौन कौन सी आती है, टोटल 9 पेनल्टीज हैं वो रूल 6 के अंदर ही आती है। माइनर प्रोसीजर जो है हमारी पेनल्टी, माइनर पेनल्टी प्रोसीजर जो है रूल 11 में आता है, और जो हमारा जो प्रोसीजर फॉर मेजर पेनल्टी ये रूल 9 में आता है। तो कभी भी इंक्वायरी जो हम करेंगे तो वो रूल 9 के तहत इंक्वायरी करेंगे हम। तो इसको मैं पढ़ देता हूँ, नो ऑर्डर इम्पोजिंग एनी ऑफ पेनल्टी स्पेसिफाइड इन क्लास 5 to 9 ऑफ रूल 6 शैल बी मेड एक्सेप्ट आफ्टर इंक्वायरी हील्ड एज फार एज मे बी इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दिस रूल एंड रूल 10। यानी रूल 6 के अंदर जो 5 नंबर से लेकर 9 नंबर की पेनल्टीज है वो मैंने ब्रीफ में नीचे लाल अक्षरों में लिखा हुआ है, 5, 6, 7, 8, 9। 6 नंबर की मैंने पुरानी रखी है, जगह कम था। तो ये जो ब्रीफ के लिए कौन कौन सी पेनल्टी है 5 से 9 की मैंने नीचे लाल उसमें किया हुआ है कलर में, ये पेनल्टी हमको देनी है नियम हम DR रूल के तहत, तो हमको रूल 9 की तरह के तहत इंक्वायरी किए बिना, जांच किए बिना हम पेनल्टी इम्पोज नहीं कर सकते, ये हमारा नियम है, मेन नियम। और एक और नियम आता है रूल 9.2। जैसा कि आपको मालूम है रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966(3)(c) के तहत सेक्सुअल हरासमेंट का जो एक प्रोविजन है हमारे, जिसमें बताया गया है कि सेक्सुअल हरासमेंट किसको कहते हैं, तो सेक्सुअल हरासमेंट के मामले में कोई भी इंक्वायरी अगर करना है हमारे को तो वो इंक्वायरी, हाँ जी हेलो कोई आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? आ रही है सर, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ कि सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी जो इंक्वायरी करेगी उसके लिए भी बोर्ड की जो DR रूल के अंदर रूल 9.2 के अंदर बताया गया है कि जो इंक्वायरी करेगी कमेटी उनको भी इंक्वायरी ऑफिसर का दर्जा दिया गया है इस नियम के तहत, रूल 9.2 के तहत। और वो सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी जो होगी वो भी इसी रूल 9.2 के तहत, 9 के तहत इंक्वायरी, डिटेल इंक्वायरी करेगी, ये बताया गया है। अब आगे हम चलते हैं इसमें, अथॉरिटी हु इज कॉम्पिटेंट टू इम्पोज एनी ऑफ मेजर पेनल्टी, यानी कि डिसिप्लिन अथॉरिटी फॉर मेजर पेनल्टी चार्जशीट कौन होगी, वो अथॉरिटी हु इज कॉम्पिटेंट टू इम्पोज एनी ऑफ मेजर पेनल्टी, यानी जो मैंने बताया 5 से 9 नंबर की जो पेनल्टी है उसमें कोई भी अगर एक पेनल्टी अगर अथॉरिटी दे सकती है, अथॉरिटी एम्पावर है, तो वो SF5 इश्यू कर सकती है। अथॉरिटी इन्वॉल्व इन द सेम केस कैन नॉट एक्ट एज ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, जो अगर अथॉरिटी खुद इस मामले में लिप्त है, इन्वॉल्व है, तो वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का रोल अदा नहीं करेगी। सेम है कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो चार्जेस फ्रेम करेंगे। चार्जेस शुड बी इंटीमेटेड इन डिटेल थ्रू SF5, जो मेजर पेनल्टी चार्जशीट में जो हम चार्जेस लगाएंगे कर्मचारी को दी जाएगी वो SF5 के रूप में दी जाएगी अलोंग विद RODs, जो आगे डिटेल में बताऊंगा। उसमें चार्जशीट की हम बात करेंगे, चार्जेस इन डिटेल एंड चार्जशीट SF5 टू बी साइंड बाय द कॉम्पिटेंट डिसिप्लिन अथॉरिटी, चार्जशीट को कॉम्पिटेंट डिसिप्लिन से साइन किया जाएगा। उसमें क्या क्या चीज़ें आएगी, 4 एनेक्सर होते हैं इसमें। पहला है आपका आर्टिकल और चार्जेस, द सब्सटेंस ऑफ इम्पुटेशन ऑफ मिसकंडक्ट एंड मिसबिहेवियर, जो भी उसने मिसकंडक्ट मिसबिहेवियर किया हुआ है वो डिफाइन इन डिस्ट्रिक्ट आर्टिकल और चार्जेस के रूप में हम लिखेंगे। दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ इम्पुटेशन ऑफ मिसकंडक्ट एंड मिसबिहेवियर इन सपोर्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ चार्जेस, दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल रिलेवेंट फैक्ट इंक्लूडिंग एनी एडमिशन और कन्फेशन मेड बाय रेलवे सर्वेंट, अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बाय विच एंड अ लिस्ट ऑफ विटनेसेस बाय हुम द आर्टिकल चार्जेस आर सपोज्ड टू बी सस्टेंड। इसको थोड़ा डिटेल बता दूं कि आर्टिकल चार्जेस और इम्पुटेशन इन सपोर्ट ऑफ आर्टिकल चार्जेस में क्या अंतर होता है, एनेक्सर 1 और 2 में क्या अंतर होता है, अभी बता दूं। आप कोई भी कर्मचारी को जो हम SF5 देते हैं, कई जगह मैंने देखा है, मैक्सिमम जगह देखा है कि दोनों में डिफरेंस पता नहीं होता, और मैंने रिसेंटली कुछ चार्जशीट देखी है जिसमें आर्टिकल चार्जेस ही नहीं है, सीधा इम्पुटेशन स्टार्ट हो गया।
तो मैं आपको जस्ट मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगा इसके बारे में कि किसी भी इंसान को हम चार्जशीट देंगे, आर्टिकल ऑफ चार्जेस सिंपल एक लाइन में या बिल्कुल छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी एबसेंट है, लॉन्ग एबसेंट है, बार बार एबसेंट होता है, तो हमको कहानी नहीं बतानी है, कहानी हमको बतानी है नंबर टू अनेक्स टू में। आपको सिर्फ बताया कि कार्य से अनुपस्थिति, ये आपके आर्टिकुलर चार्जेस होगा, सिंपल इतना सा है, कार्य से अनुपस्थिति, एक तो ये बात हो गया। ये उसके बाद चार्जेस है कि वो कार्य पे अनुपस्थित रहता है, बस इतना सा चार्ज होगा। उसके बाद जब आप इम्पुटेशन करेंगे, इम्पुटेशन ऑफ इन सपोर्ट ऑफ आर्टिकुलर चार्जेस करेंगे, तब आप बताइए कि कर्मचारी जो था ये यहाँ काम करता था और ये काम करने के दौरान ये इतने इतने नंबर ऑफ डेज में एबसेंट रहा, इसको कई बार हमने वार्निंग लेटर दिया, ये दिया वो दिया, कई बार समझाया फिर भी मानता नहीं है, जो भी बातें हैं वो आपको इम्पोर्टेशन आएगा। लेकिन चार्जेस पे सिंपल आपका टू द पॉइंट आएगा कि क्या उसने गलती की। दूसरी जो एक बात होती है जो गलतियां लोग करते हैं कि कई बार फॉर एग्जांपल एक बंदा है एबसेंट था वो, ठीक है, एबसेंट रहता था और किसी वजह से एबसेंट के दौरान ही उसने आके अपने ऑफिस में आके झगड़ा किया, मिसबिहेवियर किया, तो हम कई बार में देखा चार्जेस लगते हैं कि भाई ये जो है लॉन्ग एबसेंट ही रहा और मिसबिहेव किया, उसने झगड़ा किया। तो हमेशा हर गलती के लिए आप अलग चार्ज लगाइए। फॉर एग्जाम्पल इसी केस में पहला चार्ज आएगा उसका कि कार्य से अनुपस्थिति, नंबर वन। नंबर टू आएगा मिसबिहेवियर विथ सीनियर्स, ये आपका चार्जेस नंबर टू आएगा, ताकि जो इंक्वायरी ऑफिसर होगा वो अलग अलग चार्जेस को प्रूव करेगा। कई बार आप जब मिस करेंगे तो चार्जेस प्रूव होना मुश्किल होता है, तो जो चार्ज होगा अलग अलग चार्ज को आप बताइए उसमें, और अलग अलग चार्ज की कनेक्शन में अलग अलग इंपोर्टेशन बताइए। जब आप वो एबसेंट कर रहा है तो एबसेंट के बारे में पहले बताइए, इतने नंबर ऑफ डेज एबसेंट रहा, वार्निंग दिया, ये दिया, वहाँ पैराग्राफ खत्म कीजिए। फिर आप जब बता रहे हैं कि वो बंदा ड्यूटी के दौरान एबसेंट के दौरान वो झगड़ा कर रहा था, लड़ाई की उसने या मिसबिहेव किया, उसके बारे में अगले पैराग्राफ में, यानी हर चार्ज के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन दीजिए। तो हो सकता है पटियों को जैसे मान लीजिए झगड़ा किया, या सपोज ये बोलते हैं उसने आगे ड्रिंक किया ऑन ड्यूटी आके, कि वो एबसेंट था और ड्यूटी पर आके उसने दारू पी के झगड़ा किया, तो कई बार हम चार्जेस तो लगा देते हैं, लेकिन फिर प्रैक्टिकली इंक्वायरी के दौरान ये प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है कि उसने ड्रिंक किया था नहीं, उस वक्त हमने बोल दिया ड्रिंक किया था, लेकिन पेपर में प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में एटलीस्ट हम जो कार्य से अनुपस्थिति है वो प्रूफ हो जाएगा चार्जेस, और ड्रिंक करने वाला अगर नॉट प्रूफ भी हो गया है तो हम उस जो पहला चार्ज की बेस पे हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो कभी भी जो है किसी भी इंसान के ऊपर जो चार्जेस लगाएंगे तो हर गलती के लिए आप अलग चार्ज लगाइए, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी गलतियां हैं उसके ऊपर अलग चार्ज लगाइए। एक चार्ज के अंदर एक ही चार्ज लगा के पूरी कहानी मत लिख दीजिए कि ये आदमी एब्सेंट भी था, उसने दारू भी पिया, फिर आके झगड़ा भी किया। अगर यही मामला है तो आप पहला पहला आप चार्ज ये लगाइए कि वो एब्सेंट था, दूसरा चार्ज लगाइए कि वो दारू पी के ऑफिस में आया था, तीसरा चार्ज लगाइए कि उसने झगड़ा किया। तो तीनों अलग अलग चार्ज है, उसमें होता है एक आध चार्ज प्रूफ हो या एक आध चार्ज ना प्रूफ हो, लेकिन ओवरऑल एटलीस्ट एक चार्ज उसका प्रूफ हो जाए जो प्रूफ होता है। और सारे जो चार्जेस हैं दैट मस्ट बी सपोर्टेड बाई डॉक्यूमेंट्स और विटनेस। कोई भी जैसे उसने झगड़ा किया तो झगड़ा किया है तो उसके सपोर्ट में आप क्या कह रहे हो, तो ऑब्वियसली एक विटनेस होना चाहिए वहाँ पर आपको कि सर ये वो वहाँ खड़ा हुआ, हाँ ये मेरे सामने उसने झगड़ा किया और ड्रिंक किया, तो ड्रिंक के भी आपके विटनेस होना चाहिए और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि ड्रिंक आपने के डॉक्टर के पास भेजा था उसको, डॉक्टर का रिपोर्ट आया कि हाँ ड्रिंक किया हो। तो ये सब चीज़ें आपको देखिए जब भी आप चार्जेस लगाते हैं, तो मैंने आगे ही बताया हुआ इसके अंदर कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड लिस्ट ऑफ विटनेसेस, जो भी आप चार्जेस लगा रहे हैं उसके सपोर्ट में आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है और उसके विटनेसेस क्या है। एक इशू कई बार ऐसा भी आता है, मैंने देखा है कि कोई विटनेस ही नहीं है, बोलते हैं कि नहीं मेरे पास जब मैं डील करता था उसमें मेरे पास चार्जशीट आती थी बनाने को ऐसा F5 जिसमें विटनेस ही नहीं होता था, बोला सर ये चार्जशीट हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि SFI इशू करने के लिए 4 एनेक्सर जरूरी है, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3, एनेक्सर 4, जिसमें पहला आर्टिकल चार्जेस आ गया, दूसरा इम्पुटेशन इन सपोर्ट ऑफ आर्टिकल चार्जेस आ गया, तीसरा लिस्ट ऑफ विटनेसेस और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये चारों चाहिए तभी आपकी SFI बनेगी, अगर नहीं मिलते हैं चारों थोड़ी से तो मना कर दीजिए, SFI नहीं बनेगी आपकी। तो ये चारों होना जरूरी है ताकि इंक्वायरी ऑफिसर उसको इंक्वायरी में प्रूव कर सके। ऑल RUD शुड बी लिस्टेड इन SF5 एंड शुड बी सप्लाइड टू CO अलॉन्ग विद द चार्ज शीट। सारे जो भी RUD में बताया, लिस्ट ऑफ विटनेसेस बताया, डॉक्यूमेंट्स बताए, वो आपको लिस्ट लगाना है और उसको सप्लाई करना है चाशी साथ चार्ज ऑफिशियल को, और फिटनेस को भी उसमें बताना है। चार्जशीट हैज टू बी डिलीवर इन पर्सन और थ्रू RPAD। उसके बाद अगर वो मना करता है, इफ रिफ्यूज टू रिसीव, आपको विटनेस के साथ दो विटनेस का सिग्नेचर लेना है, नहीं ले रहा है, और अगर अनडिलीवर उसके घर से वापस आती है तो आपको उसके नोटिस बोर्ड में जहां लास्ट वर्किंग प्लेस है उसको वहां चिपकाना है। SFI दे दिया, उसके बाद डिफेंस जो है वो
10 दिन का टाइम रहेगा, चार्ज ऑफिशियल में सबमिट डिफेंस विद इन 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव ऑफ चार्जशीट। अगर चार्जशीट मिलने के 10 दिन के अंदर कर्मचारी जो है चार्ज ऑफिशियल अपना डिफेंस दे सकता है, और डिफेंस अगर डिले होता है तो ऑब्वियसली कंडोन का पावर डीए के ऊपर है। ऑन कंसिडरिंग डिफेंस डीए कैन ड्रॉप द चार्जेस। अगर डीए सेटिस्फाई होता है कि हमने जो एसएफआई दी है वो गलत आदमी को दे दिया है या उसकी गलती नहीं है, तो स्टेट वे उसको डिफेंस के ऊपर चार्जेस ड्रॉप कर सकता है। इन विजिलेंस केसेस बिफोर ड्रॉपिंग द चार्जेस और व्हेन डीए डिसीजन इज इन वेरिएशन विद द विजिलेंस एडवाइस विजिलेंस डिपार्टमेंट टू बी कंसिडर्ड। नॉर्मल केस में चार्जेस ड्रॉप स्टेट वे करता है, लेकिन विजिलेंस केस है तो बिना विजिलेंस से कंसल्टेशन किए बिना आप चार्जेस ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, विजिलेंस आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। After defense, minor penalty can be imposed directly in non-vigilance cases without any inquiry, provided the same will not affect adversely the personal benefit. Or if charges accepted by CO, any of minor major penalty can impose straight. तो मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताऊंगा कि कोई भी कर्मचारी को जब SFI दी, उसने डिफेंस दिया, तो डिफेंस मिलने के बाद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास जो ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या होता है मैं हिंदी में बताता हूँ आपको। पहला ऑप्शन ये है कि अगर वो एग्री कर रहा है, लगता है कि भाई गलती इसकी है नहीं, गलत चार्जशीट दे दी, वो स्टेट वे ड्रॉप कर सकता है। दूसरा, अगर उसको लगता है कि मैंने मेजर पेनल्टी चार्जशीट दी है लेकिन उसकी गलती उतनी बड़ी नहीं है कि इसको रिमूव डिस्मिसल या मेजर पेनल्टी चार्जशीट दी जाए, हम इसको छोटी गलती इसकी छोटी है, तो वो स्टेट वे माइनर पेनल्टी दे सकता है अगर उसमें कोई कम्युनिटी इफेक्ट का मामला नहीं बनता हो। तीसरा, अगर उसको लगता है कि नहीं मुझे SFI ही देनी है, इसकी गलती बड़ी है और डिफेंस से एग्री नहीं करता है, तो फिर वो आगे वो मेजर पेनल्टी इंक्वायरी देने के लिए जो इंक्वायरी प्रोसीजर है उसके लिए ये नोमिनेशन वो करेगा। और चौथा लास्ट में ये है कि अगर कर्मचारी ने चार्जेस एक्सेप्ट कर लिए हैं विदाउट अनकंडीशनली, तो वो स्टेट में मेजर पेनल्टी चार्जशीट इम्पोज कर सकता है। तो ये टोटल चार ऑप्शन रहते हैं डीए के ऊपर अगर SFI के मामले में। जब डीए को लगता है कि डिफेंस से वो एग्री नहीं करता और मेजर पेनल्टी देना चाह रहा है, तो वो डीए कैन ऑर्डर फॉर इंक्वायरी बाय अपॉइंटिंग ईओ एंड प्रेजेंटिंग ऑफिसर इफ रिक्वायर्ड। तो डीए जो है वो इंक्वायरी ऑफिसर का नॉमिनेशन करेगा। इफ नो डिफेंस, अगर डिफेंस नहीं मिला तो भी डीए को जो है इंक्वायरी ऑफिसर के लिए ईओ नॉमिनेट करना पड़ेगा। बिना इंक्वायरी के आप अगर डिफेंस नहीं भी आता है तो आप डायरेक्ट पेनल्टी नहीं दे सकते, आपको एक्सपर्टी इंक्वायरी करनी पड़ेगी, आपको उसमें सीधा डिफेंस जो है मिले नहीं मिले इंक्वायरी करनी पड़ेगी अगर मेजर पेनल्टी जैसे देनी हो। ये हमारे प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी जैसे ही स्टार्ट करनी है तो जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा वो इंक्वायरी ऑफिसर का नॉमिनेशन करेगा, और नॉमिनेशन करने के बाद डीआर से संबंधित जितने भी कागज है, मतलब चार्जशीट है उसकी, सीओ ने जो डिफेंस दिया हुआ है, जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड ओपन डॉक्यूमेंट यानी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ विटनेस, सब जो है वो इंक्वायरी ऑफिसर को फॉरवर्ड करेगा वो। और इंक्वायरी ऑफिसर जो भी होगा आपके यहाँ को डील करता है, तो मैं बता दूँ सबसे पहले इंक्वायरी ऑफिसर का काम ये होता है कि जैसे ही उसको फाइल मिलती है इंक्वायरी करने के लिए, सबसे पहले इंक्वायरी ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि वो चार्जशीट को पढ़ ले। कई बार चार्जशीट में काफ़ी गलतियां रहती है, कई बार विजिलेंस से जा जाती है तो ड्राफ्ट ही लिखा रह जाता है या और कुछ कमी होती है, तो अगर कोई कमी होती है तो वापस डीए को बोल सकता है कि सर ये चार्जशीट में कमी है, क्योंकि इंक्वायरी पूरी कर रहे हैं उसके बाद गलती निकालना बेटर ये कि एक बार चार्जशीट पूरा पढ़ ले और कोई कमी है तो तुरंत डीए को बताए। तो जैसे चार्जशीट पूरा पड़ेगा उसके बाद जो चार्जशीट के अंदर विटनेसेस हैं, लिस्ट ऑफ विटनेस, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सारे बराबर हैं, मिले नहीं मिले, नहीं मिले तो वो उसको कलेक्ट करेगा, उसके बाद वो इंक्वायरी चालू करेगा। और डीआर इंक्वायरी चालू करने से पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है वो उसको करनी होती है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो होती है वो उसमें इंक्वायरी ऑफिसर जो है चार्ज ऑफिशियल को बुलाता है, पहले डेट फिक्स करता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए, और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्या क्वेश्चन होते हैं, ईओ शुड आस्क सीओ वेदर ही रिसीव द चार्जेस, अंडरस्टूड द चार्जेस, इंस्पेक्टेड द डॉक्यूमेंट, वांट एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट, विशेष प्रोड्यूस डिफेंस डॉक्यूमेंट, ऑब्लिक विटनेसेस, वांट डिफेंस स्टैंड एक्सेप्ट। यानी इंक्वायरी ऑफिसर जब प्रिलिमिनरी हियरिंग होगी उसके अंदर जो चार्ज ऑफिशियल होगा उसको पूछेगा कि भाई आपको चार्जशीट मिल गई है, नहीं मिली तो ऑब्वियसली उसको कॉपी पढ़ाई करेगा,
क्या चार्जशीट आपको मिल गई है, चार्जशीट आपने पढ़ ली है, समझ लिया है कि आप चार्जेस एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हो, और कि आपको कोई डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन करना है, देखना है, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए और कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आप अपने डिफेंस डॉक्यूमेंट अपने बचाव में कोई डॉक्यूमेंट देना चाहते हो या बचाव में कोई विटनेसेस लाना चाहते हो, ये कॉमन चार पांच क्वेश्चंस जो होंगे उससे पूछे जाएंगे। इसके बाद इफ सीओस डिफेंस विटनेस आर नॉट रिलेवेंट यू कैन डिसअलाउ एडवाइजिंग द सीओ। डिफेंस सीओ जो होता है, अगर हियरिंग के दौरान अगर डिफेंस डॉक्यूमेंट या डिफेंस विटनेसेस की लाने की बात करता है और अगर उसको लगता है इंक्वायरी ऑफिसर को वो उस केस से रिलेवेंट नहीं है तो डिफेंस विटनेस और डिफेंस डॉक्यूमेंट दोनों के लिए मना कर सकता है। इफ इवन इफ सीओ एक्सेप्ट द चार्जेस ड्यूरिंग प्रीलिमिनरी हियरिंग इंक्वायरी ईओ शैल नॉट कंक्लूड द इंक्वायरी एंड विल अलाउ द सीओ टू सबमिट रिटन ब्रीफ। अगर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के दौरान, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पूछता है कि चार्जेस क्या आपने पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं कि एक्सेप्ट करते हो, अगर प्रीलिमिनरी हियरिंग के दौरान अगर चार्जेस एक्सेप्ट कर लेता है तो इंक्वायरी ऑफिसर को आगे इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, वो उससे सीधा लिखित में मांगेगा और उसके ऊपर जमा कर देगा वो डिस्प्ले अथॉरिटी को। ईओ विल मेंटेन डेली ऑर्डर शीट ड्यूली साइंड बाय ऑल हु अटेंड द इंक्वायरी। इंक्वायरी ऑफिसर जो भी इंक्वायरी होती डेली की डेली जो भी इंक्वायरी होगी वो पूरी उसके लिए एक डेली ऑर्डर शीट मेंटेन करेगा कि उस दिन उस इंक्वायरी के लिए उस दिन कौन कौन इंक्वायरी में अटेंड करने के लिए कौन कौन उपस्थित रहे और कोई खास बात है वो उसमें रिकॉर्ड करेगा और अंत में सभी को वो की कॉपी देगा, सीओ को एक कॉपी जारी करेगा। द एविडेंस ऑन बिहाफ ऑफ डीए हैज बीन प्रोड्यूस्ड फर्स्ट एंड नॉट द सीओ। जो एविडेंस होंगे डिफेंस विटनेस होंगे वो पहले जो डीए की तरफ से जो लिस्ट में लगाए होंगे वो पहले प्रोड्यूस होंगे। रिकॉर्ड्स ऑफ द डिटेल इंक्वायरी प्रोसीडिंग कंटेन द डेट सिग्नेचर ऑफ ऑल हु वर प्रेजेंट ड्यूरिंग इंक्वायरी इज मेंटेन। जो रिकॉर्ड होगा जैसे मैंने बताया डेली ऑर्डर शीट में पूरा मेंटेन किया जाएगा कौन कौन इंक्वायरी के दौरान उपस्थित थे, सबके साइन दिए जाएंगे। कॉपी ऑफ प्रोसीडिंग गिवन टू सीए एट द एंड ऑफ ईच डेज प्रोसीडिंग। जो भी इंक्वायरी होगी उसमें जो भी प्रोसीडिंग्स होगी उस दिन की वो इंक्वायरी खत्म होने के आखिर में सीओ को उसकी कॉपी दी जाएगी। आफ्टर एग्जामिनेशन ईच पीडब्ल्यू सीओ हैज गिवन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिनेशन द सेट पीडब्ल्यू। तो मैं बता दूं एग्जामिनेशन जब स्टार्ट होता है इंक्वायरी में तो जो पीडब्ल्यू यहाँ लिखा हुआ कईयों को मालूम है नहीं कि पीडब्ल्यू का मतलब होता है प्रोसिक्यूशन विटनेस, यानी एडमिनिस्ट्रेशन की तरह से जो विटनेस होता है उसको हम प्रोसिक्यूशन विटनेस कहते हैं। तो SF5 की जो इंक्वायरी स्टार्ट होगी तो जो इंक्वायरी ऑफिसर होगा जो विटनेस होगा उसको बुलाएगा और उससे एग्जामिनेशन करेगा उसको कि क्या गलती कही उसने विटनेस के रूप में, क्या देखा, क्या हुआ, घटना पूछेगा। और उसके बाद जब उसका एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा तो फिर चार्ज ऑफिशियल जो होगा उसको ऑपरचुनिटी देगा कि वो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करे, यानी वो अपनी बात रखे जो भी बचने का लिए वो बात रखे। नो विटनेस हैव बीन रीएग्जामिन्ड बाय पीओ ऑन न्यू पॉइंट विदाउट ईओ। इसके बाद जो पीओ हो सकता है वो भी एक्चुअल में जहाँ पीओ नॉमिनेट होते हैं वो एग्जामिनेशन करते हैं। और इसमें बताया गया पीओ को नई बात को लेके नए पॉइंट को लेके एग्जामिनेशन नहीं कर सकता है बिना की ईओ की परमिशन के लिए। No PW has been dropped in absence of CO. अगर CO नहीं आया तो भी कोई भी PW जो है उसको drop नहीं किया जाएगा। Copy of oral evidence recorded is not denied to CO if asked for. अगर oral evidence लिया है तो उसकी भी copy दी जाएगी CO को। After the closure of case, the CO is given opportunity to examine himself and defense document witnesses submitted, if any, and had taken on record and examination cross examination. तो जैसा मैंने अभी पहला पैराग्राफ बताया था कि चार्जशीट के अंदर जो भी विटनेस हैं, एक विटनेस, दो विटनेस, तीन विटनेस, जितने विटनेस हैं, तो चार्जशीट में एक एक विटनेस को बुलाया जाएगा और उस विटनेस का पहले जो है इंक्वायरी ऑफिसर या उस केस में पीओ नॉमिनेट हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर से, तो दोनों में से जो भी है वो उसको एग्जामिनेशन करेगा। एग्जामिनेशन करने के बाद फिर सीओ को बुलाया जाएगा क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए और उसके बाद फिर अगर इंक्वायरी ऑफिसर चाहे तो दोबारा उसके ऊपर एग्जामिनेशन कर सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद, और नहीं करना तो नहीं करे, लेकिन अगर दोबारा एग्जामिनेशन करता है तो वापस सीओ को एक मौका मिलेगा क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। तो इस तरह एक एक विटनेस का एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, एक विटनेस, दो विटनेस, तीन विटनेस, चार विटनेस, जितने भी विटनेस है उनका पहले एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका एग्जामिनेशन करेगी आइदर ईओ या पीओ, और फिर उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए दोबारा उनको सीओ का मौका मिलेगा। इस तरह सारे विटनेस जब खत्म हो जाएंगे
उसका मतलब है कि आफ्टर द क्लोजर ऑफ केस, मतलब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के साथ मामला खत्म हो गया है, अब सीओ, नाउ द सीओ इज गिवन अपॉर्चुनिटी, कि अब सीओ को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। पहले तो वो खुद को एग्जामिन के लिए पुटअप करना चाहता है, ये खुद अपना कुछ ब्रीफ करना चाहता है, कहना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो अगर वो अपनी तरफ से कुछ डिफेंस डॉक्यूमेंट या विटनेस प्रोड्यूस करना चाहे तो वो उसको उनके डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड के लिए जाता है, और वो जो विटनेस होंगे सीओ की तरफ से उसको डीडब्ल्यू बोलते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो होते हैं उनको पीडब्ल्यू बोलते हैं, प्रोसिक्यूशन विटनेस, और जो चार्ज ऑफिशियल की तरफ से जो विटनेस होते हैं उनको डिफेंस विटनेस बोलते हैं, डीडब्ल्यू। तो जब सीओ अगर अपनी तरफ से एक या दो विटनेस लाना चाहता है और अगर ईओ उसको अलाउ करता है तो सीओ के विटनेस को सबसे पहले सीओ एग्जामिन करेगा, उसके बाद ईओ या पीओ जो भी होगा उसका एडमिनिस्ट्रेशन साइड से उसका क्लोजर आंसर होगा। मतलब जैसे हम पहले पीडब्ल्यू का किया था एडमिनिस्ट्रेशन और फिर सीओ ने क्लोजर एग्जामिनेशन, यहाँ उल्टा हो जाएगा, सीओ के जो विटनेस का पहले एग्जामिनेशन सीओ करेगा, चार्ज ऑफिशियल करेगा, और उसको क्लोजर एग्जामिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन साइड से ईओ या पीओ करेगा। इस तरह सारे जो डिफेंस विटनेस होगा उनका एग्जामिनेशन और क्लोजर एग्जामिनेशन किया जाएगा। उसके बाद जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अगर उस केस में पीओ को नॉमिनेशन किया हुआ है प्रेजेंटिंग ऑफिसर, जनरली पीओ बता दूं सिर्फ विजिलेंस के केसेस में या कोई क्रिमिनल केस, पुलिस या सीबीआई के जो केसेस होते हैं एंटी करप्शन के, उन्हीं मामलों में पीओ को नॉमिनेशन होता है, डिपार्टमेंटल डीआर में जनरली पीओ को नॉमिनेशन नहीं होता है। तो अगर उस केस में पीओ है, पूरा डीआर की जो एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिन किया, तो पीओ अपना रिटर्न ब्रीफ देगा और वो रिटर्न ब्रीफ सीओ को दिया जाएगा, और उसके बाद सीओ का कहा जाएगा कि आखिर में अपना जो है रिटर्न ब्रीफ या तो ओरल दे तो उसको हम टाइप कर लेंगे, या वो लिखित में दें, जनरली लिखित में देते हैं, बाद में टाइप करके भिजवाते हैं, चीफ अपना ब्रीफ करेगा। इन केस ऑफ एक्सपर्ट इंक्वायरी नो नीड टू गिव ऑपोजिट टू फाइल रिटर्न, अगर एक्सपर्ट ये सीओ नहीं आ रहा तो वहां सीओ को रिटर्न ब्रीफ देने की जरूरत नहीं। जी, इस तरह इंक्वायरी के दौरान जो भी एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, फिर सीओ से जो भी रिटर्न ब्रीफ लिया, और उसके बाद सीओ के जो विटनेस के एग्जामिन किया, क्रॉस एग्जामिन किया, जो भी डॉक्यूमेंट्स आए उसके बेस पे इंक्वायरी ऑफिसर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, और रिपोर्ट में डिस्कशन ऑन ईच आर्टिकुलर चार्जेस एंड स्टेटमेंट ऑफ इम्पुटेशन ऑफ, जो भी चार्जेस लगाए हुए हैं उसके बारे में डिस्कशन करेगा, जो भी टिप्पणी देगा उसमें, उसके बाद जो स्टेटमेंट लिए गए हैं पीडब्ल्यू डीडब्ल्यू की, उसके बाद अपनी टिप्पणी रिमार्क्स देगा, डिस्कशन दिखाएगा उसमें कि क्या मामला सामने आया। फिर डिस्कशन ऑन सबमिशन गिवन बाय सीओ ड्यूरिंग इंक्वायरी, सीओ ने जो अपना सबमिशन दिया है उसके ऊपर अपनी टिप्पणी देगा। असेसमेंट ऑफ द एविडेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच आर्टिकल, जो एविडेंस हमारे पास है डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके ऊपर असेसमेंट करके ईच आर्टिकल ऑफ चार्जेस के समय अपनी रिमार्क्स देगा उसमें। फिर रीजन फॉर इस कंक्लूजन ऑन इन आर्टिकल ऑफ चार्जेस, हर आर्टिकल ऑफ चार्जेस जो है उसके बारे में अपना रीजन बताएगा, कंक्लूजन पहुंचने का क्या रीजन है। फिर उसके ऊपर फाइंडिंग देगा, फाइंडिंग ऑन ईच आर्टिकल ऑफ चार्जेस, फिर कंक्लूजन उसका लास्ट में इंक्वायरी ऑफिसर आएगा कि चार्जेस प्रूव हैं कि नॉट प्रूव हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि अलग अलग गलती, अलग अलग मिसकंडक्ट के लिए अलग अलग चार्जेस देने से ये फायदा रहेगा कि कुछ चार्जेस प्रूव होंगे तो चार्ज प्रूव करेगा या फिर नॉट प्रूव करेगा। आप एक ही चार्ज के अंदर आप दो तीन मिसकंडक्ट करेंगे तो हो सकता प्रूफ होगा कुछ, थोड़ा बहुत थोड़ा पार्ट प्रूफ हो रहा, थोड़ा पार्ट प्रूफ नहीं हो रहा, तो वहाँ कंक्लूजन में कैसे प्रूव करेगा। तो इसलिए सजेशन ये है कि जब भी आप एक से ज्यादा मिसकंडक्ट हो तो उसके लिए अलग अलग चार्ज बनाए, ताकि अलग अलग चार्जेस को इंक्वायरी के बेस पे इंक्वायरी ऑफिसर्स को चार्ज प्रूफ या नॉट प्रूफ करेगा। ईओ शुड नॉट रिकमेंड एनी पेनल्टीज इन हिज फाइंडिंग रिपोर्ट, ईओ जो है अपने रिकमेंड, सिर्फ ईओ का काम है सिर्फ इंक्वायरी करना, इंक्वायरी करने के बाद जो चार्जेस लगाए हैं चार्जशीट के अंदर वो प्रूफ है कि नॉट प्रूफ है, सिर्फ उसका काम बताना, उसका वो अपनी रिपोर्ट में कहीं भी पेनल्टी के बारे में रिकमेंड नहीं करेगा। अब आता है एक्शन और इंक्वायरी रिपोर्ट, ये काम डिसिप्लिन अथॉरिटी का, जैसे इंक्वायरी ऑफिसर जो होगा अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा, उसके बाद डिसिप्लिन अथॉरिटी काम चालू होता है। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट विद रिपोर्ट और एनी लेकुना इन रिपोर्ट, डीए कैन रेमिट बैक द प्रोसीडिंग्स टू ईओ फॉर रेक्टिफिकेशन और फर्दर इंक्वायरी इन द लाइट ऑफ डिसएग्रीमेंट और फ्रॉम द स्टेज ऑफ लेकुना। अगर डिसिप्लिन अथॉरिटी का लगता है इंक्वायरी रिपोर्ट में किसी तरह का से एग्री नहीं हो रहा है या कोई लेकुना है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए वो ईओ को वापस करेगा, या वो किसी और ईओ से को भी नॉमिनेट करके उसको रिमेनिंग पार्ट के लिए दोबारा इंक्वायरी करा सकता है।
अगर जिस पार्ट के लिए वो एग्री नहीं कर रहा है या उस पार्ट में उसको लगता है लेकुना है, तो वो उससे दोबारा इंक्वायरी करता है, या फिर डीए सीधा अपना एक डिसएग्रीमेंट रिपोर्ट बनाएगा जो जो बातों में वो एग्री नहीं कर रहा है, और अपना रीजन लिखेगा डिसएग्रीमेंट का। उसके बाद जो इंक्वायरी ऑफिसर ने रिपोर्ट दी है उसके ऊपर डीए अगर डिसएग्री है किसी बात को लेके, तो उसके डिसएग्रीमेंट दोनों के दोनों जो है चार्ज ऑफिशियल को दिए जाएंगे, और चार्ज ऑफिशियल को 15 दिन का टाइम मिलेगा कि वो अपना वापस फाइनल रिटर्न डिफेंस या रिपोर्टेशन सबमिट करें। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं मैं आपको कि जैसे ही केस खत्म होगा, मेजर पेनल्टी चार्जशीट का SF5 का इंक्वायरी खत्म होगी, तो इंक्वायरी रिपोर्ट जब सबमिट होगी तो जो डिसिप्लिन अथॉरिटी होगी अगर उसको लगता है उसके अंदर कुछ कमी है तो उसको दूर करने के लिए दोबारा इंक्वायरी करवा सकता है पर्टिकुलर पॉइंट पे। लेकिन उसको इंक्वायरी नहीं करानी है तो स्टेट पर चाहे तो किसी बात से किसी पर्टिकुलर मामले से डिसएग्री कर रहा है तो सीधा डिसएग्रीमेंट नोट भी बना सकता है। जनरली ये भी मैक्सिमम मैंने देखा है डिसएग्रीमेंट नोट बनते हैं, चार्जेस प्रूव होते हैं तो इंक्वायरी ऑफिसर एग्री नहीं है तो नॉट प्रूव कर सकता है, या इंक्वायरी ऑफिसर ने चार्जेस पर्टिकुलर चार्ज नॉट प्रूव किया है और डिसिप्लिन अथॉरिटी लगता है कि नहीं प्रूव हो रहा है तो वो लिख सकता है कि मेरे हिसाब से ये प्रूव होता है, तो वो डिसएग्रीमेंट बनाएगा, और इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट और डिसिप्लिन अथॉरिटी जो है उसका डिसएग्रीमेंट नोट दोनों के दोनों सीईओ को दिए जाएंगे, और सीईओ को फिर 15 दिन का टाइम मिलेगा डिफेंस देने के लिए। तो यहाँ बता दूँ, नॉर्मली SF11 SF5 जो दिया जाता है उसके 10 दिन का टाइम मिलता है, लेकिन इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद जो सीईओ टाइम मिलता है, यहाँ 15 दिन का टाइम मिलता है अपना डिफेंस फाइनल डिफेंस सबमिट करने के लिए। जो फाइनल डिफेंस आ जाता है तो डीए विल कंसीडर रिपोर्टेशन एंड रिकॉर्ड हिज रीजन स्पीकिंग ऑर्डर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी और अदरवाइज। जैसे ही फाइनल डिफेंस सीईओ का आता है उसके बाद जो डीए है वो देखेगा कि उसके चार्जेस कहाँ तक प्रूव होते हैं नॉट प्रूव होते हैं, उसके ऊपर अपना रीजन स्पीकिंग ऑर्डर रिकॉर्ड करेगा और साथ ही इम्पोज जो पेनल्टी इम्पोज करना वो बताएगा उसमें। इफ डीए इज नॉट एम्पावर्ड कॉम्पिटेंट टू इम्पोज द पेनल्टी ही शी प्रपोज्ड ही शी विल सबमिट द केस टू नेक्स्ट अथॉरिटी। जैसे मैंने बताया कि कई मामलों में 5 नंबर की पेनल्टी ही दे सकता है डिसिप्लिन अथॉरिटी, लेकिन उसको लगता है कि इसके अंदर 6 नंबर की रिमूव डिसमिस करना है तो वो फिर उसके अंदर अपना जो प्रपोज पेनल्टी है वो लिख के वो हायर अथॉरिटी को जो भी अथॉरिटी जो उसके लिए एम्पावर होगी उसको फाइल भेज देगा। इन विजिलेंस केस इफ डीएस डिसीजन इज इन वेरिएशन विद विजिलेंस एडवाइस, विजिलेंस डिपार्टमेंट इज टू बी कंसल्टेड बिफोर टेकिंग फाइनल डिसीजन, हाउएवर डीएस फ्री टू टेक फाइनल डिसीजन रिगार्ड टू पेनल्टी। अगर विजिलेंस केस का है तो विजिलेंस केस में बता दूं कि अगर विजिलेंस ने अगर मेजर पेनल्टी चार्जशीट का लिखा है तो आपको मेजर पेनल्टी चार्जशीट देनी पड़ेगी, अगर आप उसे एग्री नहीं करते हो माइनर करते हैं या